नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि SSC GD का जो है आंसर की फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जो है बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट का जो है नंबर कम भी हुआ है। तो आपको किस प्रकार चेक करना है कि आपका फाइनल आंसर की आने के बाद आपका नंबर जो है बढ़ा है या घटा है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और आपको ये भी बताऊँगा कि आप कब से स्कोर कार्ड देख सकते हो, कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा SSC की जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपलोड कर दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम आपको आना है मोबाइल स्क्रीन में। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद गूगल क्रोम ब्राउजर में जो है आप सर्च करोगे SSC, तो SSC GD का जो है फाइनल आंसर की जारी हो गया है। आप फाइनल आंसर की में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का जो है 10 नंबर लगभग बढ़ गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको फाइनल आंसर की चेक करना है। तो यहाँ पर आप आओगे, SSC डाल के सर्च करोगे गूगल क्रोम ब्राउजर में, फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, आपको फर्स्ट ही ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट ही ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो SSC की ऑफिशियल साइट पे पहुँच जाओगे। जैसे ही ऑफिशियल साइट पे आप पहुँच जाओगे तो यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ में देखोगे तो यहाँ SSC GD का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ में अभी जारी किया गया है कि SSC का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। आप अपना जो है रोल नंबर और अपना पासवर्ड फिल करके जो है आसानी से अपना जो है फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका जो है नंबर बढ़ा है या घटा है। तो यहाँ इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है। अपकमिंग यहाँ SSC GD का अभी जारी किया गया है तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे रीड कर लेना है कि आप कब से कब तक अपना आंसर की देख सकते हो। तो आपके मोबाइल में PDF रीडर ऐप है तो आसानी से आपका जो है आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपको टेबल GD, CRPF है, SSF है, आसम राइफल GD, यहाँ पर सभी का जो है जारी कर दिया गया है। आपको किसी के लिए भी है तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो कि आपका जो है आंसर की जो है कितने नंबर बढ़ा है और आप इसको जो है कब से कब तक देख सकते हो। तो यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा 8 को यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ आप आज ही 17 के डेट को 17 तारीख से आप जो है 5 यहाँ पर 8 मई तक देख सकते हो। 17 तारीख से 17 अप्रैल से 8 मई तक इसका जो है फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि आप जो है अपना फाइनल आंसर की का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप फाइनल आंसर की का जो है अपना प्रिंट आउट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से आप आसानी से यहाँ बताया गया है तो आप इसे पढ़ सकते हो। उसके यहाँ आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है ऊपर, यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है सारा कुछ। तो यहाँ से आप जो है 17 अप्रैल से जो है आप आंसर की देख सकते हो। तो इसका स्कोर कार्ड जो आएगा, इसमें जब रिजल्ट जारी किया गया था उसमें बताया गया था 27 अप्रैल को जो है आपका स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। उसमें आप देख पाओगे कि कितना नंबर हम किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हमने पाया है। तो उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करते हुए ऊपर आओगे भाई तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का, तो यहाँ पर आपको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ बताया गया है आंसर की कांस्टेबल GD, CRPF, SSF, आसम राइफल, यहाँ पर GD आसम राइफल यहाँ पर बताया गया है तो आपको इसी पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, नहीं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। तो जैसे उस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप इसकी ऑफिशियल साइट पे पहुँच जाओगे जहाँ से कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आने के बाद आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट वाले में फिल करना है, सेकेंड वाले में आपका जो है DOB आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वही आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड आपको फिल कर लेना है। पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जो है अपना आंसर की आसानी से देख सकते हो, आपका नंबर कितना बढ़ा है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का जो है, जैसे आपका 115 नंबर था, तो अगर आपका स्कोर कार्ड में जो है इसमें बढ़ जाता है तो आपका जो है फिजिकल का एडमिट कार्ड आने की संभावना है। तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा भाई, चैनल से जुड़े रहना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दिया जाएगा।